नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 18 आजाद नगर हरिजन टोला में आज भी पानी की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। गौरतलब है कि इस मोहल्ले में कुल 60 घर में लगभग 1500 की आबादी है। ग्रामीणों ने बताया कि मोहल्ला में पानी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से पानी लाकर जीवन यापन करना पड़ता है। बीते गर्मी में भी पानी की समस्या जैसी की तैसी बनी हुई थी। इसको लेकर कई बार स्थानीय वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव और मोहल्ले वासी नगर निगम पहुंचकर आवेदन देकर पानी समस्या की लिखित जानकारी दी। साथ ही कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया, लेकिन निगम की ओर से लगातार सिर्फ आश्वासन दिया गया। मोहल्ले वासियों की समस्या को देखते हुए वार्ड पार्षद सरिता श्रीवास्तव ने अपने निजी खर्च से एक बोरिंग में मोटर लगाकर पानी व्यवस्था कर कुछ घरों तक पानी पहुंचाने का काम किया, लेकिन फिर भी पूरा मोहल्ला सप्लाई पानी की मांग निगम से कर रही है। मोहल्ले वासियों ने बताया कि सप्लाई पानी को लेकर पूरे मोहल्ले में पाइप बिछाकर मीटर लगा दिया गया, लेकिन वह सिर्फ शोभा की वस्तु मात्र है। लोगों द्वारा पानी को लेकर टैक्स भी भरना पड़ता है। इस बाबत स्थानीय वार्ड पार्षद ने बताया कि पानी की समस्या हरिजन टोला में सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेकर कई बार बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे को उठाने का काम किया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक पानी की व्यवस्था नहीं किया गया। मौके पर मालती देवी, शारदा देवी, मधु देवी, बिरजू पासवान, रंजीत कुमार दास समेत काफी संख्या में मोहल्ले वासी मौजूद थे। पानी का बहुत ज्यादा समस्या करीब 3 महीने से था। मैं नगर निगम हर बोर्ड मीटिंग में बोलती रही थी। मेरे बाद में आजाद नगर में पानी का बहुत ज्यादा दिक्कत है। नागा अर्जुन का पाइप बिछा है, लेकिन वहाँ पानी नहीं आ रहा है। पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है। ये लोग तो समस्या को देखते हुए जब हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, हर बार नगर निगम से हमको आश्वासन मैडम दी, मंजूर सर भी है, आज लग जाएगा, कल भी बोरिंग होगा, आज होगा। इसको देखते हुए जब हम लाचार हो गए तो हम अपने पैसा से, खुद का पैसा से, इन लोग को आश्वासन दिए बाबू हम तो आप लोग का बोरिंग हम लगवा देंगे, समझ से हम तो अपने पैसा से लगवा दिए, लेकिन वो कब तक चलेगा हम इसका ये नहीं बता सकते, गारंटी नहीं दे सकते, ये कभी भी चला जाएगा। इसलिए हम नगर निगम को कह रहे कि वो आश्वासन ना दे। इसको देखते हुए आजाद नगर में इस तरह का पानी का तकलीफ देखते हुए नागार्जुन का पाइप भी जलवा हमारे यहाँ ड्रिप बोरिंग का व्यवस्था करें, जितना जल्दी हो हम नगर निगम से मांग करते, नहीं तो हम आंदोलन करें। यहाँ की जनता बहुत गरीब है, बहुत ज़्यादा गरीब, न इनके पास रहने के लिए छत है, न ढंग का नाली है, न पानी है। ये लोग अपना छत भी मांगे, उससे भी सरकार उसको भी नकार दी। जब जब बोले नगर निगम में, जब जब आजाद नगर का बात लाते हैं दबा दिया जाता है। आखिर क्यों दबा दिया जाता है मेरा वार्ड को? आजाद नगर में मेरा कॉलोनी भी दिया जाए, जब बिजली लेता है टैक्स, पानी लेता है टैक्स, मकान का टैक्स, सब चीज़ का टैक्स, फिर भी चलिए सीसीएल का आश्वासन दिया गया जब भी आए वो बर्दाश्त करेंगे सर, लेकिन पानी का बर्दाश्त हम लोग अब नहीं कर सकेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे। हमने में 4 साल हो गए सर, नगर निगम पाइप बिछा दिया, कलेक्शन दे दिया, मीटर लगा दिया, अभी तक ने पानी नहीं दिया। जब नगर निगम जाते हैं हम लोग तो आश्वासन देता कि 15 दिन में 20 दिन में आप लोग को पानी आ जाएगा, अभी तक पानी में कलेक्शन जितने में 4 साल हो गया, 1 साल बचा है फिर, और अभी तक हम लोग को पानी का कोई सुविधा नहीं हुआ है। कैसे पानी लाते हैं आप लोग, कहाँ से पानी लाते हैं? पानी हम लोग यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी जाते हैं, किसी के नल से, किसी के कुआं से, अचानक से पानी हम लोग बड़ी मेहनत से लाना पड़ता है। कल जाके हम लोग का वार्ड कमिश्नर अपना पैसा लगा के हम लोग को सबमर्सिबल दिया, तब जाके हम लोग का बोरिंग में पानी लगा, तब बस्ती वाले कल से पानी पी रहे हैं। क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का पानी मांग है, नाली मांग है, जो सप्लाई दिया वो सप्लाई मांग है, ड्रिप बोरिंग मांग है। कितना नंबर वार्ड है? 18 नंबर वार्ड है। कौन सा मोहल्ला? क्या बोले? कौन सा मोहल्ला? आजाद नगर हरिजन टोला भंडारी।